जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम एफकैट के 60 डे के स्टडी प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि आपके एफकैट सेकंड 2023 का एग्जाम काफी करीब है, तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करो, इसको आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एफकैट स्टैंड फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस रिटन एग्जामिनेशन की कंडक्टिंग बॉडी इंडियन एयरफोर्स ही रहा करती है, और ये एग्जाम सभी गर्ल्स और बॉयज कैंडिडेट के लिए आपका रहता है जो कि ग्रेजुएट हैं। साल में दो बार इस एग्जाम को आपका कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम इस बार के इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो देखिए, नोटिफिकेशन 1 जून को आया था, 30 जून को इसकी लास्ट डेट थी अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। आप सभी का एडमिट कार्ड एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर दे दिया जाता है, और एफकैट सेकेंड 2023 की एग्जामिनेशन डेट 25, 26, 27 अगस्त आपकी रहने वाली है। आपका रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा, और SSB आपकी अक्टूबर 23 से लेकर मार्च 24 के बीच में आपकी शेड्यूल करवा दी जाएगी। इस बार का नया पैटर्न है आपके एग्जाम का, जहां पर जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25, वहीं पर इंग्लिश वर्बल एबिलिटी से आपका 30, और रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिछले बार की तुलना में इस बार काफ़ी बदलाव आपके किए गए हैं। अगर हम एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो देखिए, एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम, टोटल क्वेश्चंस 100, मैक्सिमम मार्क 300, यानी कि हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स ग्रांट किए जाएंगे। वहीं पर एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन 2 आवर्स की है, यानी कि 120 मिनट्स की। अगर हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो 4 सब्जेक्ट्स आपके टोटल आएंगे, पॉजिटिव मार्किंग 3 मार्क्स की, और निगेटिव अगर आप करते हो तो 1 मार्क आपका माइनस कर लिया जाएगा। अन अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए किसी भी प्रकार के मार्क्स को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब कंपोनेंट्स क्या हैं, तो देखिए, अगर हम जनरल अवेयरनेस पे आएँ तो उसमें तो सभी चीज़ें रहती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है उसके बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, डिफेंस, करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक जनरल नॉलेज से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने 60 डेज के लिए कैसे स्टडी करनी है, 4 आवर्स पर डे आपको पढ़ना है, और सबसे पहले आप आर्म फोर्सेस से रिलेटेड टॉपिक को कवर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रैंक स्ट्रक्चर इन ऑल सर्विसेज, यानी कि इक्वलिट रैंकिंग, कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट स्पेशलिटी और उनकी टेक्निकलिटीज, मिलिट्री डील्स, प्रोक्यूरमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स, उनके हेडक्वार्टर, लोकेशन, उनके मोटो, वॉर क्राई पूछ लिए जाते हैं, उसको आपको कवर करना है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के जो फेमस स्क्वाडन हैं उनके नाम, उनके नंबर, उनकी लोकेशन, और इंडियन नेवी के वॉरशिप्स के बारे में आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए। इसके बाद हम इंडियन पैनोरमा पे बढ़ेंगे, काफ़ी वास्ट आपका सब्जेक्ट है, एरिया है, जहां पर भारत के नेशनल सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडिया के सुपरलेटिव जिसमें हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, भारत के इसरो यानी कि इंडियन स्पेस जर्नी से, साथ ही साथ आपके DRDO से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर जिसमें डांस फेस्टिवल, नेशनल इंस्टीट्यूट, उनके हेडक्वार्टर, उनके करंट के चीफ, इंपॉर्टेंट नेशनल डेज ऑफ रिकग्निशन, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। वर्ल्ड पैनोरमा पे आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कैपिटल करेंसी से संबंधित है, सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंपॉर्टेंट सिटीज एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंटरनेशनल डेज, वर्ल्ड स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, उनके करंट के चीफ कौन है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मीटिंग्स। तो यहाँ से आपके वर्ल्ड पैनोरमा क्वेश्चंस बना करते हैं, सभी टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम अवार्ड एंड ऑनर की कैटेगरी में चलें, तो जैसे भारत रत्न पूछ लिया, पद्म विभूषण पूछ लिया, नोबल प्राइज पूछ लिया, मिलिट्री गैलेंट अवार्ड में आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, मूवी रिलेटेड अवार्ड जैसे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड, अवार्ड रिलेटेड टू बुक्स जैसे इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, वहाँ से संबंधित क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनके विनर्स, इनकी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग ऑफ इन्फ्लुएंस देखें तो देखिए, फेमस बुक्स या वर्क्स बाई
हिस्टोरिकल इंडियंस एंड फॉरेनर्स, साथ ही साथ फेमस न्यूज एजेंसीज और उनके एडिटर हेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम चलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से आपका ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ग्रैंड स्लैम्स जिसमें फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, साथ ही साथ जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के टूर्नामेंट, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोबल पर्सन ऑफ इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल। आप ज्योग्राफी पर चलें तो ज्योग्राफी में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शंस हैं, जैसे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ हिमालय, ग्रेट गैंगेटिक प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट एंड आइलैंड, नेम्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कोस्टल प्लेन्स, ऑल रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, हाइड्रो पावर, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, मेजर ओशन करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ आवर कंट्री, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मेजर एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल समिट्स एंड इवेंट। हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, मौर्यन एम्पायर, संगम लिटरेचर, इंडिजीनियस डायनेस्टीज, गुप्त पीरियड, दिल्ली सल्तनत और आपका विजयनगर एम्पायर। इसके अलावा मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कार्नेटिक वार, एंग्लो इंडियन वॉर, मराठा वॉर, सिख वॉर, स्टेजेस ऑफ कोलोनिज्म, 1857 की क्रांति, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जिसको गरम दल नरम दल कहा जाता है उनके लीडर्स, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जिसको गांधी जी ने आपका शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, राइज ऑफ मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस वॉर विद पाकिस्तान और भारत और यूनाइटेड नेशंस। अब बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ, तो पॉलिटी में आपके कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यूटी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एंड स्पेशल एरिया, इमरजेंसी प्रोविजन जिसमें आर्टिकल 352, 357, 360, सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और लास्ट में आपको अपने एफकेट की मॉक टेस्ट को लगाना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। साथ ही साथ करंट अफेयर की बात कर लें तो इसमें आपको हमारे जो डेली क्लासेस करंट अफेयर और डिफेंस करंट अफेयर की होती हैं उनको फॉलो करना है, जिससे कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं उसको आप आसानी से अच्छे तरीके से लगा सकें। फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको करना है और आपका जो लास्ट डे रहेगा उस पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें रिमेंबर के लिए, तो देखिए आपको क्या करना है, अपने सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक को बनाना है, ठीक है, अपने आप को बेसिक इन्फॉर्मेशन और कम्प्लीट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है बचाना है जिससे कि आप बेहतर कर पाएँ, और आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं support@ssbexam.com पे, और पूरी SSB CAC की टीम तरफ से आपको आपके आने वाले FCAT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB CAC एग्जाम के FCAT 23-24 के ऑनलाइन रिटर्न कोर्स में इनरोल हो जाएं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। SSB CAC एग्जाम FCAT के रिटर्न कोर्सेज के अलावा SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स भी चला रहे हैं जिससे कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर हो सके। इसके लिए आप सभी वॉरियर 10 कोड का यूज़ करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB CRAC एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।